अच्छा चलो, बच्चा कोई? हाँ आया हूँ। हाँ ऑल आर हियर। ऑल मतलब जितने पहले थे। मयंक शिवम मंतीरा तक दिखते चार जने हो गए। ये देखो, इन नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव आर नॉट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर चार्जेस आर कोइंसाइडिंग, सो व्हेन वी कीप इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज शीट्स अराउंड इट, देन व्हाट हैपेंस, नेगेटिव चार्जेस दे गेट सम फोर्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव दे गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स दैट, सो दे गेट सेपरेटेड, तो ये सेपरेट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनके अंदर थोड़ी सेपरेशन आ जाएगी, दे विल गेट सेपरेटेड लाइक दिस, पोलराइजेशन हो जाएगी इनकी, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हाँ, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हाँ, अब दे विल गिव राइज टू देयर ओन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे, अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब रह गए सिर्फ ये जो सरफेस पे चार्जेस हैं, तो हमारे पास ये कुछ चार्जेस, दीज आर नॉट ऑल द चार्जेस, क्योंकि बाकी तो कैंसल आउट हो गए। कंडक्टर में क्या होता है कि सारे के सारे चार्जेस भाग के इधर आ जाते हैं, सारे उधर चले जाते हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड होता है, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये सारे के सारे चार्जेस नहीं है, काफी कैंसिल आउट हो गए, तो दे विल गिव राइज टू देयर ओन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दैट इज नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड कम हो जाता है, जीरो नहीं होता, कम हो जाता है, और उसकी वैल्यू होती है ई नॉट माइनस ई आर, तो दिस फील्ड माइनस अपोजिंग फील्ड, so this is that's why called reduced value of electric field, कम हो गया पर जीरो नहीं हुआ, तो हम इसको बस ये नेम दे देते हैं reduced value of electric field, so this is the entire process of polarization of non polar dielectric, polarization का meaning पता चल गया, इसमें हमारा famous formula आता है, एक तो यही है k is equal to e naught over e और k equal to 1 plus फाइव, दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, स्टाइलिश एक्स है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, और उसमें फर्दर, अच्छा आपको चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले आते हैं वो भी लिख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज ओवर लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज ओवर एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज ओवर वॉल्यूम, ये चार्ज डेंसिटीज हैं जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में की, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम एक या क्यूबिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी तीन चार्ज डेंसिटीज हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है हमारा पी, पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड ये पोलराइजेशन से रिलेटेड, उसका फॉर्मूला याद है, पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी पी, ये रही सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर है। हाँ, ये था एप्सिलॉन नॉट ई और काई भी आ जाता है, और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट That is directly proportional to applied electric field. ये भी पहली बार पढ़ा। हाँ?
अल्फा अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अरे तुम ये देखो मैं आपको बताता हूँ स्टेप वाइज ये जो चार्जेस अपीयर हो गए इंड्यूस चार्जेस है ना इसको आप माइनस क्यू आई बोलो इसको आप प्लस क्यू आई बोलो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है क्यू इंटू टू एल होता है ना डाइपोल मोमेंट डाइपोल की डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू लेंथ डाइपोल लेंथ होती है ना ये जैसे यहाँ पे डाइपोल है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है सेपरेटेड बाय 2L तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। ठीक है तो ये इंड्यूस डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुई ये होगी क्यू आई इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। ठीक है अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इट हैज बीन फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना फील्ड हमारा स्ट्रांग होगा उतने ही वो सेपरेट होंगे उतनी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रट्टा नहीं मारना बस ऐसे। अब यहाँ पे जब कॉन्स्टेंट रिमूव करते हैं तो हम लगाते हैं अल्फा एप्सिलॉन नॉट यहां से फॉर्मूला होता है। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है कि ये जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है अल्फा इसका यूनिट निकालो यहाँ से तो जब हम यहाँ से यूनिट निकालते हैं तो वॉल्यूम वाला यूनिट आता है अल्फा का जो यूनिट आता है वो वॉल्यूम वाला आता है सेम अल्फा क्या है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। कौन सा हाँ इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पी आई दिस इज इंड्यूस डाइपोल मोमेंट ये जो डाइपोल इंड्यूस हो गए हैं पोलराइजेशन की वजह से उनकी डाइपोल मोमेंट कितनी है That is called induced dipole moment. EI into D, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस यहां पर डिस्टेंस इतना ही होगा जितनी स्लैब की थिकनेस है। ठीक है सल्फा इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी राइट और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का यूनिट क्या है मीटर क्यूब। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर और इसकी डायरेक्शन क्या है सिंपल डाइपोल मोमेंट जो होती है वेक्टर। हाँ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा क्या है यहाँ पे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी हाँ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई काई बोलते हैं। हाँ अब ऐसे ही ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है बेसिकली इट इज इंड्यूस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इंड्यूस डाइपोल मोमेंट सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम बेसिक इसका फॉर्मूला अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या इंड्यूस चार्ज इंटू डाइपोल मोमेंट इंटू डिस्टेंस और वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस एरिया ऑफ प्लेट्स इंटू डिस्टेंस तो यहां से क्यू आई ओवर ए क्या बना ये देखो क्यू ओवर ए आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्यू आई ओवर ए इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस चार्जेस इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो न्यूमेरिकली पोलराइजेशन वेक्टर पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी न्यूमेरिकली इट्स इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से डायरेक्टली आप इसका यूनिट भी लिख सकते हो पी का सेम एज दैट ऑफ सिग्मा सिग्मा क्या है चार्ज ओवर एरिया का यूनिट क्या हुआ कूलम पर मीटर स्क्वायर तो इसका मतलब पी का यूनिट भी कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। अब ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है ना दिस इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये इस फील्ड के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जब हम कांस्टेंट रिमूव करते हैं वे इंट्रोड्यूस काई एप्सिलॉन नॉट तो फिर ये फॉर्मूला आ जाता है
हाँ फिर ये फॉर्मूला है, तो अभी मैंने डायरेक्टली लिखे थे और ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ये रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना डिफरेंस होगा पोलराइजेशन डेंसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ काई है ये तो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये काई है सुसेप्टिबिलिटी, काई काई सुसेप्टिबिलिटी PHI जो आप श्रोडिंजर वेव फंक्शन के लिए यूज करते हो वही है ना। सो पी है काई एप्सिलॉन नॉट ई हियर, ओके फाइन ठीक है। उसके बाद हम रिलेशन निकाल लेते हैं के वन प्लस काई एल, बस ये आपका हो गया पोलराइजेशन से रिलेशन। चलो मैं आ रही थी फोर्स के बाद, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक चार्ज कम कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वैसे भी एफ इक्वल टू क्यू ई के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहां से इसका यूनिट भी देख लो फोर्स का न्यूटन चार्ज का कूलम, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है न्यूटन पर कूलम, तो फोर्स होता है के क्यू वन के टू ओवर आर स्क्वायर, एक क्यू कम कर दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ठीक है, ये आपका यूनिट भी आ गया एफ इक्वल टू क्यू ई से। ये देखो पहले इतना फिक्स करो दोनों में रिलेशनशिप क्या है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट को सपोर्ट करता है ना जब तब। अब ये हो गया E पोटेंशियल, K Q और एक R भी कम कर दो तो उसका फॉर्मूला हो गया K Q by R, सभी सिमिलर एक्सप्रेशन है बस किसी में चार्ज एक है किसी में डिस्टेंस एक है किसी में दो है सब में K Q और R, ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ उसका भी बेसिकली तो यही होगा, देन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू, हाँ उसमें के क्यू वन क्यू टू बाय आर, अगर आर स्क्वायर कर देंगे तो फोर्स बन जाए, तो उसमें एक आर होता है चार्ज दोनों होते हैं, तो ये चार रिजेंबलिंग एक्सप्रेशन है जो बिल्कुल बेसिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सभी में के क्यू आर हैं, बट इवन देन दीज एक्सप्रेशन आर डिफरेंट। हाँ उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पीई साइन थीटा, पी क्या है, पी क्या है डाइपोल मोमेंट ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पीई साइन थीटा टाउ, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजिशन माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजिशन टू एनी अदर ओरिएंटेशन 90 डिग्री से। देखो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला था ना आपका कल हमने यूज किया, हाँ ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप इसी डाइपोल को रोटेट करना चाहते हो फ्रॉम वन ओरिएंटेशन टू द अदर ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली वी वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, स्पेसिफिकली इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी देन आप क्या करते हो कि टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजिशन वो 90 डिग्री पे होती है टू एनी अदर ओरिएंटेशन, जब हम ये पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है स्टोर्ड इन द डाइपोल। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल है इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है,
वो भी पोटेंशियल एनर्जी, पर जब दो पॉइंट चार्जेस भी होंगे तब यूज करूंगी। ठीक है, क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है उस पर टॉर्क लगेगी, उस टॉर्क के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ये उसका फॉर्मूला। वर्क डन, वही वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वन ओरिएंटेशन टू अदर ओरिएंटेशन, हमें अगर वर्क करना है कितना है? और वही वर्क अगर हम जीरो एनर्जी पोजीशन से किसी और एंगल तक करते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसी वर्क को फिर हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कि इसमें इतनी स्टोर हो गई। जीरो एनर्जी पोजीशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू थीटा 90 डिग्री, आप पुट करके देख सकते हो। ठीक है, अब इसके फर्दर इन दोनों के केसेस क्या थे? अगर हमारा जो डाइपोल है वो ऑलरेडी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेड है तो टॉर्क जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, उठ करके देख सकते हो थीटा 0 डिग्री है। और इसमें हम कहते हैं कि डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल द डाइपोल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, सो फॉर थीटा 0 डिग्री इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, will be in stable equilibrium for theta 0 degree. Now for theta 180 degree, अगर आप चेक करो टॉर्क अगेन जीरो है बट पोटेंशियल एनर्जी है प्लस PE हाईली अनस्टेबल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, हमें नहीं चाहिए। सो इन दिस ओरिएंटेशन द डाइपोल इज सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, so the dipole is said to be in unstable equilibrium for orientation 180 degree when it is anti parallel to the electric field. ye equilibrium likha maine uska symbol 0 degree pe parallel 0 degree pe ye dekho na aapka ye electric field tha, positive se negative hota hai na, to aapka dipole aise pada और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायपोल मूवमेंट ई की डायरेक्शन में है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उल्टा करके रखा है पॉजिटिव इधर है नेगेटिव उधर है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका टॉर्क मैक्सिमम हो गया, सबसे ज्यादा रोटेट करेगा डायपोल इस ओरिएंटेशन में and potential energy will be zero, that's why this position is called zero energy position. So theta equal to 90 degree is called zero energy position kyunki is orientation mein potential energy zero aati hai. theek hai, hame minimum potential energy aapne chemistry mein achhi se padha hoga ki wo stability hoti hai, to minimum kab hai theta 0 degree to wo hamara equilibrium stable, और जब प्लस पीई है तो ये तो हाईली अनस्टेबल स्टेट प्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे अनस्टेबिलिटी। इस केस में थीटा 90 में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ रही है, रोटेट सबसे ज्यादा करेगा डायपोल क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रही है, बट दिस पोजिशन इज कॉल्ड जीरो एनर्जी। हाँ, और जो जो आते जा रहे थे मैंने करा दिए, कल बाकी क्या करा दूंगी आपको। ठीक है, हाँ ये ज्यादा जरूरी है मुझे लग रहा है पहले ही।